हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कोमल सिंह और आज मैं आपके लिए थर्ड और फोर्थ मार्च के सीजीएल के सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस लाई हूं। ये सारे क्वेश्चंस जो इस वीडियो में हैं, ये सारे क्वेश्चंस मेरे इंस्टाग्राम से कुछ फ्रेंड्स ने मुझे दिया है और आज मेरे कुछ फ्रेंड्स के एग्ज़ाम थे तो उन्होंने मुझे ये सारे क्वेश्चंस दिया है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये है भूपेश बघेल। ठीक है, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर कहाँ के हैं? तो ये है झारखंड के। फ्रेंड्स, इस बार क्वेश्चंस घुमा के पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर का नाम दे दिया गया है और पूछा गया है स्टेट कौन सा है। तो ये सारे क्वेश्चंस मतलब आप सबको ठीक से देख लीजिएगा, स्टेट और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सभी को। ठीक है, कौन सी कान की हड्डी नहीं होती है? एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, मेरे फ्रेंड ने बताया है कि इनमें से कौन सी हड्डी कान की हड्डी नहीं है, तो आंसर था फेमर। ओके, कान में तीन हड्डी होती हैं और तीनों हड्डी को आप अच्छे से, तीनों हड्डियों के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, टेस्ट क्रिकेट के चार लगातार सीरीज में चार डबल शतक लगाने वाले प्लेयर कौन बन गए हैं? तो ये है विराट कोहली। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका गोटाबाया राजपक्सा और प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के जो है वो है महिंदा राजपक्सा, ये दोनों भाई है। ओके, नेपाल के प्रेसिडेंट है बीडी भंडारी और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है केपी शर्मा ओली। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है सना मरीन। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। फ्रेंड्स, इस बार नेबरिंग कंट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप नेबरिंग कंट्री से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ओके, जीएसटी काउंसिल ने लॉटरी पर कितना परसेंट रेट फिक्स किया है? ये है 28%। ओके, हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये है रोम में, रोम इटली में है। ओके, किस कंपनी ने 21st Century Fox को खरीद लिया है? तो ये है वॉल्ट डिज्नी। ओके, वॉल्ट डिज्नी ने 21st Century Fox को खरीद लिया है। हु इज़ द लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ मिशन मंगल? मिशन मंगल हाल ही में एक फिल्म आया था 2019 में, तो पूछा गया है कि इस फिल्म की जो मुख्य अभिनेत्री थी वो कौन है? तो ये है विद्या बालन। ठीक है, और इस फिल्म, अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि इस फिल्म के मुख्य अभिनेता कौन थे, तो ये होंगे अक्षय कुमार, आई थिंक आप सबको पता ही होगा। और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो है जगन शक्ति। ओके, सांची स्तूपा कब बना था? ये बना था 1818 में। अनटचेबिलिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल? अनटचेबिलिटी है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आर्टिकल 17 में। ओके, हु इज़ द आर्मी चीफ? आर्मी चीफ कौन है? तो ये है मनोज मुकुंद। ओके, वर्ल्ड बैंक चीफ कौन है? तो ये है डेविड मालपास। इंडिया का करंट GDP कितना है? ये है 4.7%। कृतिका शर्मा किस खेल से संबंधित है? ये है आर्चरी से। ओके, और इन्होंने शायद कुछ गोल्ड जीता है, तो कृतिका शर्मा के बारे में कुछ आप डिटेल्स में अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप किसी भी फील्ड से मत छोड़िएगा और सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, अपॉइंटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नोट्स ऑफ अ ड्रीम। नोट्स ऑफ अ ड्रीम एक ऑटोबायोग्राफी है। पूछा गया है कि ये नोट्स ऑफ अ ड्रीम ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये है AR रहमान की। ओके, नेक्स्ट, गोल गुम्बज कहाँ है? ये है बीजापुर में और बीजापुर कर्नाटक में है। ठीक है, राजरानी टेम्पल कहाँ है? ये है ओडिशा में और ओडिशा भुवनेश्वर में है। ओके, राइट टू फ्रीडम कम्स अंडर विच आर्टिकल? ये आता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। ठीक है, कैपिटल ऑफ मगध, मगध का कैपिटल क्या है? तो ये है पाटलिपुत्र। एक्चुअली ये क्वेश्चन पुराना है। ठीक है, तो अब पहले के जो स्टेट और कैपिटल थे वो सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाँ, इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर का डांस नहीं है? एग्जाम में पूछा गया था इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर का डांस नहीं है, तो ये है शांति। ठीक है,
इन समर आईफिल टावर हाइट इंक्रीजेस बाई 15 cm. समर गर्मियों में क्या होता है, आईफिल टावर का जो हाइट है वो थोड़ा बढ़ जाता है. वो कितना बढ़ता है, तो ये होगा 15 cm to 17 cm. और इंच में बोला जाए, अगर ऑप्शन में इंच अगर हो तो वो होगा 6 inch. ओके. फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, मगध का पहला कैपिटल क्या था, वो था राजगृह. ठीक है. जजिया कर को किसने हटाया था, ये अकबर ने हटाया था. मैक्सिमम एलिमेंट्स इन ओलंपिक्स गोल्ड मेडल, मतलब ओलंपिक गेम के जो गोल्ड मेडल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी धातु होती है, तो ये होगा सिल्वर यानी चांदी. ठीक है. मैन मेड लेक इन गुजरात, आर्टिफिशियल कह लीजिए या मैन मेड, ये गुजरात में एक लेक है, वो उसका नाम क्या है, तो ये है सुदर्शन लेक. ठीक है. चेयरपर्सन ऑफ आईएमएफ के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, तो ये है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा. नोवाक जोकोविक किस देश से है, तो यह है सर्बिया के. ओके. एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि नोवाक जोकोविक ये किस खेल से संबंधित है. तो ये सारे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप सभी को अच्छे से देख लीजिएगा. ओके. प्रेजेंट इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया कौन है, तो ये है कृष्णामूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम. ओके. सिक्स्थ आइलैंड समिट कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था नई दिल्ली में. इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, ये उत्तर प्रदेश से लॉन्च हुआ था. ओके. फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 2 हैट्रिक्स इन ODIs, पहले इंडियन बॉलर कौन है जिन्होंने 2 ODI में 2 हैट्रिक लिया है, 2 शतक प्राप्त किया है, तो ये है कुलदीप यादव. ओके. सुचेता कृपलानी किस स्टेट की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो ये रह चुकी है उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर. ओके. और यूपी के जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ, आप सबको पता ही होगा. ओके. विक्टोरिया टर्मिनस कब बना था, तो ये बना था 1878 ईस्वी में. ओके. जवारा डांस किस स्टेट से संबंधित है, ये कहाँ का डांस है. ओके. तो ये है मध्य प्रदेश से. फ्रेंड्स डांस भी बहुत पूछे जा रहे हैं डांस से रिलेटेड, कि कौन सा डांस कहाँ से किस स्टेट का है. ओके. ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्टेट दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा ये किस इसका डांस मध्य प्रदेश का कौन सा डांस है, तो ये होगा जवारा डांस. ठीक है. कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप एकदम अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अगर जिनका एग्ज़ाम कल है तो वो एकदम अच्छे से सब कर लीजिएगा. ओके. नेक्स्ट ये पूछा गया है कि मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या है, तो ये है CH4. और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो ये इसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं. विच स्टेट इज नोन एज एथेंस ऑफ द ईस्ट, किस राज्य को ईस्ट का एथेंस कहा जाता है, तो ये है मदुराई को. ओके. मदुराई को ईस्ट का एथेंस कहा जाता है. और ये है मेरा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि कौन सा बुक सलमान रश्दी ने नहीं लिखा है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया है कि कौन सा बुक सलमान रश्दी ने नहीं लिखा है, तो आंसर है ईरा ऑफ डार्कनेस. और ईरा ऑफ डार्कनेस जो बुक है इसे शशि थरूर ने लिखा है. ओके. तो बुक्स और ऑथर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और नेबरिंग कंट्रीज़ के, बुक्स ऑफ ऑथर्स के, स्पोर्ट्स के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सभी से आप अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड्स. ओके. तो ये था मेरे आज के वीडियो में, मैं आपके लिए कल के सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस अपलोड करूँगी. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके.